हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का कृति के नागर ब्लॉग्स में स्वागत है। गाइस, हम सोच रहे हैं आज बाहर जाएं ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो हम जाने वाले हैं कुछ देर बाद। अभी रेडी होंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम बाहर जाएंगे घूमने के लिए। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिए, आगे देखना हम क्या खाएंगे, हम कहाँ जा रहे हैं। ओके, मिलते हैं फिर। फ्रेंड्स, हम रास्ते में ही हैं, जा रहे हैं अपनी लोकेशन पे, जहाँ हमें जाना है वहाँ जाके फिर मिलते हैं। मैं अपने साथ अपना चश्मा भी लेके आई थी ठीक कराने के लिए, तो सोचा पहले मैं अपना चश्मा ठीक करा लेती हूँ, क्योंकि मैं इसको ऐसे पहन रही हूँ ना तो ये यहाँ आ जाता है। फिर मैंने सोचा पहले चश्मा ठीक करा लेते हैं, फिर ही कुछ खाने चलते हैं। चलो गाइस, अंदर चलते हैं, अंकल जी हैं अंदर शॉप में, वो ठीक करके देंगे। आप भी ठीक करके देता हूँ। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। A few moments later. Guys, हमें जहाँ आना था हम आ चुके हैं। ये रहा रॉयल डेंटी हब। अब हम इसके अंदर जाने वाले हैं और देखते हैं क्या क्या मेन्यू में है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम ऑर्डर करेंगे। तो गाइस, चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पे सेल्फ सर्विस है, तो मुझे ऑर्डर करने के लिए काउंटर पे जाना पड़ेगा। तो चलते हैं काउंटर पे ऑर्डर करने के लिए। फ्रेंड्स, आपको पता है अभी बीच में यहाँ पे आने से पहले हमने वहाँ चश्मा ठीक करवाया था, तो बैक कैमरा अंकल जी मुझसे बोल रहे थे, वो मुझे जानते हैं, बट फिर मेरे पापा को भी वो जानते हैं बहुत अच्छे से, तो उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, कीप इट अप, ऐसे ही काम करते रहो। और अंकल जी ने थोड़ा मुझे प्राउड फील करवाया और मुझे लगा कि हाँ, मैं सही वे में जा रही हूँ अपने वीडियोज़ की, और मुझे ब्लॉग बनाना चाहिए। बस मैं यही कह आपसे शेयर कर रही हूँ, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो तो कमेंट में बता दीजिए। मैंने मोमोज ऑर्डर किए थे, उसने घर से ही बोल दिया था सुबह स्टीम मोमोज खाएगा, तो इसलिए मैंने उसके लिए स्टीम मोमोज ऑर्डर किए हैं, और हमारे मोमोज आ चुके हैं। ओह माय गॉड, वाओ। भैया ने मोमोज डेकोरेशन बहुत अच्छी करके दी है, उसकी आप सीख रहे हैं। A few moments later. Guys, wait करने के बाद लुक आ चुका है, जैसे कि आप देख रहे हो प्लेट में रखा हुआ है। साइड इसका काफी बड़ा है डोसे का, इसके साथ सांभर आई है हमारी, ये रही। सांभर दिखने में काफी अच्छी लग रही है, चलो टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके पता चलेगा डोसा कैसा है। तो
गाइस ये काफी बड़ा डोसा है, बहुत देर से मैं मेहनत कर रही थी खाने के लिए, भाई ने भी खाया है, अभी तक खा भी फिनिश हो पाया है, तो बहुत देर लग रही है इसको खाने में। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हम जो खाना आए थे वो हमने खा लिया है, अब हम घर जा रहे हैं। और हम आए जब से बहुत तेज धूप हो रही थी, पर अभी बाहर का मौसम देखते हुए बाहर आंधी आ रही है, बहुत तेज हवा भी चल रही है, तो अब देखो रास्ते में जाते हैं तो थोड़ा आपको व्यूज दिखाएंगे बाहर की। चलो आने वाली है, आ रही है। और अब पीक तो घर जा रहे हैं, सब मजा आ रहा है, बढ़िया मौसम हो रहा है, एकदम मजा आ रहा है। वहां से आते आते हम भीग गए थे और बहुत ही तेज बारिश पड़ने लग गई थी, ये देखो इधर पानी भर गया है, सारी सड़कें गीली हो रही है, सारी सड़क पे पानी भर गया है। तो हम पीछे एक दीदी के पास रुक गए थे, उन्होंने घर के अंदर हमें बुला लिया था, दीदी की आदत बहुत अच्छी थी, उन्होंने हमसे बहुत अच्छे से बात की, उन्होंने हमें बिठा लिया जब तक बारिश रुकी रही। गए थे अभी थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी थी, फिर से बारिश तेज हो गई है, पर अब घर तो जाना ही है, जा रहे हैं हम घर भीगते हुए। बाप रे पानी भर रहा है तो। 15 minutes later. आप देख रहे हो बच्चे कितना मस्ती कर रहे हैं बारिश में, देखो कितनी मस्ती कर रहे हैं। सारे बच्चे देखो बारिश में खेल रहे हैं। फ्रेंड्स हम घर आ चुके हैं, मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं जैसे कि आप देख रहे होंगे, और इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं मैं एंड करती हूँ। आप सभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।